नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजेंद्र राजपूत और इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं इस वक्त की सभी खबरें। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लैब अटेंडेंट के इवनिंग सत्र की परीक्षा के दौरान महाराजा अग्रसेन स्कूल के सेंटर में प्रश्न पत्र के बॉक्स बदल जाने के बाद मिले प्रश्न पत्र से परीक्षार्थियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि पेपर लीक हो गया है और सेंटर में सभी बच्चों को उनकी सीरीज के अनुसार प्रश्न पत्र नहीं दिया गया है। परीक्षा समय से पहले ही कुछ बच्चे सेंटर के गेट पर ताला तोड़कर बाहर निकलकर परीक्षा रद्द करने की मांग करने लगे। सूचना मिलने पर एचएसएससी के सदस्य हंसराज ने भी मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। सेंटर सुप्रिटेंडेंट नीरज तनेजा ने बताया कि बच्चों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। वो वहाँ पे नहीं है क्वेश्चन पेपर पे, तो आपके आंसर शीट पे रोल नंबर ही काउंट होगा। अच्छा, ठीक है, वही काउंट होगा। आपको उसमें प्रॉब्लम की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पेपर दो। उन्होंने बोला कि मेरी जिम्मेवारी है, और बच्चों को बहुत समझाने की कोशिश करेगी कि पेपर दो, पर 10-12 ऐसे बच्चे थे जो ना पेपर देना चाहते थे और ना दूसरों को देना चाहते थे। उसके बावजूद भी हमने मतलब पेपर प्रॉपर शुरू करवा दिया। पर ये पेपर हमें मिला था 4:10 पे और 3 बार पेपर दिया गया बिल्कुल गलत। पेपर का टाइम क्या था? पेपर का टाइम था 3 बजे। आपको 4:10 पे मिला था, आपने कोई विरोध नहीं किया? किया जी, क्या बोले किया? और स्टाफ वाले कह रहे हैं कि आप रूम के अंदर बैठो, अभी पेपर देना है या नहीं देना है। हम बोल रहे हैं कि हमें इतनी सजा क्यों दे रहे हो आप, इतनी दूर से आए हैं, सुबह चले थे 6 बजे, किसी की तबीयत भी खराब है, किसी ने खाना भी नहीं खाया, किसी को किसी की समस्या, किसी को किसी चीज की समस्या। नाम ले लो। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने नारनौल में दिव्यांग एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। प्रदेश में कानून नाम की चीज नहीं है, आए दिन बलात्कार और हत्या जैसी वारदातें हो रही हैं। सरकार ने किसान और मजदूर के लिए कर्ज मुक्त जैसी कोई भी योजना तैयार नहीं की है। गुप्ता ने कहा कि बारिश से किसानों की फसल खराब हो चुकी है, इसलिए सरकार जल्द से जल्द गिरदावरी करवा कर किसानों को उचित मुआवजा दे। दिव्यांग भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, जिनको जल्द ही पूरा करवाने के लिए आम आदमी पार्टी इनका सहयोग करेगी। नमस्कार, नानोंद में आज मैं आया, मेरे विकलांग भाइयों से मिला। इन्होंने ज्ञापन दिया कि हरियाणा के अंदर जो विकलांग एक्ट है 2016 से लागू होना चाहिए, तो सरकार नहीं कर रही है। सरकार को ये बार बार ज्ञापन दे चुके हैं, और जो केंद्र सरकार की जो पेंशन है वो इन्होंने अभी तक लागू नहीं करी। पिछले 3 साल से कोई पेंशन बढ़ाई नहीं है, और बस का पास और रेल का पास जो इनको मिलना चाहिए वो केंद्र सरकार से मिलना चाहिए, और इनके साथ में एक व्यक्ति और साथ में अलाउ करना चाहिए जो ज़्यादा विकलांग है, ताकि उनको लेके जा सके। परंतु लगातार पिछले बहुत सालों से मांग कर रहे हैं, इनकी मांग तो सुना नहीं जा रहा। आज इन्होंने ज्ञापन दिया, केंद्र सरकार से हरियाणा सरकार से दोनों से इसमें बातचीत करेंगे और उनको लिखेंगे और कोशिश करेंगे इनके मांगों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विधानसभा नारायणगढ़ के कस्बा शहजादपुर में आयोजित विकास रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी और सांसद रतन लाल कटारिया सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने पगड़ी पहनाकर फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए इजराइल देश की तर्ज पर इंटीग्रेटेड बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के लिए बड़ी चुनौती बन चुके नक्सलवाद को भी केंद्र सरकार ने मजबूती से नियंत्रित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना सोचे समझे राफेल मामले पर उंगली उठाकर चुनावी लाभ लेने की फिराक में है। राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने मांग पत्र पढ़ते हुए नारायणगढ़ क्षेत्र में सैनिक स्कूल, पूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन और सेना का प्रशिक्षण केंद्र बना जाने की मांग की है। वहीं पुलिस द्वारा रैली में काले कपड़े पहनकर आ रहे कार्यकर्ता भी महिलाओं को रोका गया और महिलाओं के दुपट्टे उतरवा कर रखवा दिए गए, जबकि काले कपड़े पहने पुरुषों को रैली से वापस भेजा गया। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर डीएवी शताब्दी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फरीदाबाद पलवल के लगभग 10 कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया। इस मौके पर छात्रों ने सर्वधर्म सद्भाव को लेकर अपने गायन और नाट्य प्रस्तुत किए। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सतीश आहूजा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को गांधी जी के सर्वधर्म के प्रति आदर और भाव और समाज में सद्भावना का संदेश देते हैं। साथ ही इस मौके पर विश्व स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें दीक्षा भाटी और शिवम तोमर विजेता रहे, और एनएसएस यूनिट के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक के अवसर पर मुख्य अतिथि कर्नल बी के गौर जी शामिल रहे। साथ ही इसमें प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर ने ओम इंकलेव अगमानपुर से हनुमान मंदिर तक बनने वाली
50 लाख रुपए की लागत से गली के उद्घाटन के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल विकास कार्यों को लोगों के मूलभूत सुविधाओं के अनुरूप पूरा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इस इलाके के लोगों से केवल वोट लेने का काम किया था, विकास के नाम पर इस इलाके में एक भी ईंट नहीं लगाई गई थी। लोगों से केवल वोट लेकर उन्हें विकास कार्यों से दूर रखने का काम किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। छात्र सम्मान कार्यक्रम के उपलक्ष्य में दो दिवसीय योग प्रतियोगिता का आयोजन पलवल के शिव कैलाश आश्रम पर किया गया। प्रतियोगिता को 4 समूहों में विभाजित किया गया, जिसमें सब जूनियर, जूनियर सब सीनियर और सीनियर कैटेगरी से प्रतियोगिता संपन्न कराई गई। सभी को संबोधित करते हुए मोहित आर्य ने बताया कि प्रतियोगिताओं से बच्चों में आत्मा उन्नति और निर्भीकता आती है, समय समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जितेंद्र ने शिरकत की और पदक प्राप्त विजेताओं को स्मृति चिन्ह और मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि योग से हम अपने सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। रतिया शहर में पिछले एक वर्ष से भी ज्यादा समय बीतने के बाद शहर में डल रही सीवरेज लाइन शहरवासियों के लिए मुसीबत बनी हुई है। जन स्वास्थ्य विभाग के ठेकेदार ने गली में कार्य शुरू करे उसे बीच में छोड़कर दूसरी गली में कार्य शुरू कर दिया है, जिससे शहर की लगभग हर गली टूटी पड़ी है और आम जन के लिए मुसीबत बन गई है। लोग लामबंद हुए और जन स्वास्थ्य विभाग, ठेकेदार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग भी की गई। बाजार के लोगों ने जल्द सड़क दुरुस्त न होने पर बाजार बंद करने की चेतावनी दी है। ये एक दिन करके अगले दिन दूसरी कॉलोनी में चलेंगे, उसके बाद आए नहीं यहाँ पर। लोगों को इससे क्या और परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, कल यहाँ पे एक्सीडेंट हुए। बाजार दे विच दिक्कत है जी, 20 दिन हो गए जी तुहाडे सामने है, जो भी है भी ये ठेकेदार की करते ने पता नहीं, तो कितों आए कि इन्हों के छड़े हुए ने 10 दिन एक दिन तो एक महल्ले चला तो मुड़ के उत्थे छड़ के बेचारे खिलारा पा के मुड़ के दूजे महल्ले च वग जाते, मुड़ के मिन्नता करके फिर वो इत्थे ले आउंदे ने फिर छड़ जाते हैं। सारे बाजार की यही तो ऐसी करी पई है, देखो जी किन्ना नुकसान, मिट्टी घटा की सिस्टम बने पे ने। रेवाड़ी में सीएम मनोहर लाल ने मसानी बैराज में करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जा रहे पर्यटक स्थल का जायजा लिया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 32 सालों में पिछली सरकारों ने इस बैराज पर करोड़ रुपए खर्च किए हैं और आज तक किसी को भी इस बैराज का कोई लाभ नहीं मिला है। खट्टर ने कहा कि जल्दी इस बैराज को कृत्रिम झील के रूप में तैयार किया जा रहा है और टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत यहाँ लोग भी लेक यानी कि झील भी बनाई जा रही है, जिससे दिल्ली जयपुर हाईवे से गुजरने वाले यात्री भी इसका लुत्फ उठा सकेंगे। वो प्रोजेक्ट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन नहीं किया था, हमारे कुछ लोगों ने उत्साह में आकर के उसकी घोषणा की थी, करवाई थी, लेकिन हमारी लगातार बात चल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तो जहाँ जहाँ तीन तीन लोकसभाओं में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, उनकी प्रायोरिटी उन स्थानों पर है। देश भर में 500 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का एक जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने योजना बनाई है, उसमें अभी नहीं आता है। हम अपनी ओर से हरियाणा में अभी 15-16 मेडिकल कॉलेज जो या तो चल रहे हैं या पाइपलाइन में है, और बाकी भी हमने 22 मेडिकल कॉलेज की बात कही हुई है। हम लगता है कि इस कार्यकाल के अंदर ही 22 का कुछ ना कुछ काम उसका पूरा करेंगे। जब हमने सरकार संभाली थी उस समय 750 स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते थे। बैराज आज से कितने साल पहले बना था? सर ये 86 में बना था। 86 यानी 14-18 32 साल हो गए। 32 साल में जो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर करोड़ों रुपया लगाया गया और उन करोड़ों रुपए का कोई लाभ हमको हो नहीं रहा था, उसका एक कारण ये है कि जो मसानी ये जो नदी है ये जयपुर से चल करके इसका पानी आता था, लेकिन राजस्थान ने जगह जगह पर उसके ऊपर बैराज बना लिए और उस पानी को उधर ही रोक लिया, इसलिए उधर से पानी आना बंद हुआ। अब बरसात का पानी आसपास का 2-3 शहरों का तो इसमें आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। हमने ये विचार किया कि जो सरप्लस पानी है वर्षा के दिनों का यमुना में से उसको यहाँ तक पहुँचाया जाए। 6 लिफ्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके माध्यम से इस पानी को ऊपर उठा करके और वर्षा के दिनों में इसमें हर पिछले 2 साल से हम इसको भर रहे हैं। फरीदाबाद में सीटीएम बलीना की अध्यक्षता में अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ राहगीरी आयोजन के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए सीटीएम बलीना ने कहा कि राहगीरी में शहर के बच्चे, बूढ़े और जवान, महिला और पुरुष एक साथ संडे को फंडे के रूप में मनाएंगे। उन्होंने बताया कि राहगीरी का आयोजन सेलेक्ट सेक्टर 2 बल्लभगढ़ में आगामी 7 अक्टूबर को किया जाएगा। इसमें प्रशासन और पुलिस का साझा सहयोग होगा।
राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हुई किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रोहतक के पहरावर गांव के दो खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर देश और गांव का नाम रोशन किया है। जीतकर लौटने पर ग्रामीणों ने ढोल बजाकर और माला पहनाकर दोनों खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। गोल्ड मेडल जीते यश की मां कविता ने कहा कि यश के पिता नहीं हैं और वो बहुत कठिन परिस्थितियों में गुजरे हैं, लेकिन आज मेडल जीतने के बाद उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं दूसरी ओर किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर आए हिमांशु का भी कहना है ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इससे पहले भी हिमांशु ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी गोल्ड मेडल जीता है। हिमांशु की मां बेटे के गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत खुश नजर आई। उन्होंने ग्रामीणों ने स्वागत करने पर उनका धन्यवाद भी किया और उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी वो इसी प्रकार गाँव के लिए मेडल जीतते रहेंगे। मैं राजस्थान पुष्कर जिले से एशियन स्पोर्ट से नेशनल बेस पे गोल्ड मेडल प्राप्त करके आया हूँ, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे गांव ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, सम्मान किया मेरा, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी मैं और अच्छा करूँ, मैं और ओलंपिक भी खेल गया हूँ या इंटरनेशनल, और अच्छा करूँ मैं। बहुत खुशी हो रही है जी मेरे, आज अब मेरा बेटा गोल्ड जीत के आया है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं आप पता सिर्फ जब बाप का साया सिर पर चला था बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन मैंने बढ़ने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जितनी इनको सहायता थी उतनी दे पाई, उतनी दे आगे आपकी सहायता सर। और मैं किक बॉक्सिंग खेलने के लिए हिसार गया था और वहाँ पे मैंने हरियाणा का राज्य जीता है गोल्ड मेडल, और वहाँ से आने और गांव ने मेरा बहुत अच्छा सम्मान किया और मैं चाहता हूँ कि और आगे बहुत अच्छा खेलूं। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही और आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।